नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरा भान, आपकी हेल्थ फ्रेंडली चैनल गायनीपीडिया से। मेरी 30 साल के गायनी प्रैक्टिस में बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को लेके आए हैं मेरे पास, जो यूजुअली 40 से 60 साल के बीच के होती हैं, ये कहते हुए कि डॉक्टर मेरी बीवी तो बहुत हंसमुख थी लेकिन आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, मैं कुछ भी बोलता हूँ रोने लग जाती हैं, पूरी पूरी रात नहीं सोती हैं, कभी तो यूरिन जाना है, कभी कहती हैं कि गर्मी लग रही है, कभी कहती हैं सर्दी लग रही है, कभी एसी ऑन करो ऑफ करो, और सेक्स लाइफ तो मानिए कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। घर में हर समय तनाव रहता है और बच्चे बड़े परेशान हैं, बहुओं से लड़ाई होती रहती है। मैंने सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, अब प्लीज़ आप हेल्प करिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको और आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को, बच्चों को, ये सबको समझने की ज़रूरत है कि ये सब लक्षण मेनोपॉज के कारण हो सकते हैं और ये चीज़ कोई ढोंग नहीं है, ये आपके हॉर्मोन्स के कारण एक नेचुरल पड़ाव है, स्वाभाविक चीज़ है जो हर महिला को आएगी। और अगर आप परेशान हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो आज की हमारी बात करने का विषय यही है कि मेनोपॉज क्यों होता है, क्या होता है और क्या इसके लक्षण होते हैं। जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके अंदर कई लाख अंडे होते हैं और जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती है तो ये अंडे मेच्योर होके ख़त्म होना शुरू होते हैं और धीरे 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 ओवर सेवरल ईयर्स ये एक उम्र आती है जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उसी के साथ लड़की के पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज यानी मेंसेस ख़त्म होना या मेंसेस पॉज होने से मेनोपॉज वर्ड आया है। हिंदी में इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ का ये 40 से 55 साल की उम्र में आता है। हिंदुस्तान में एवरेज एज 46 ईयर्स है। 1% लेडीज़ को 40 ईयर्स से पहले भी मेनोपॉज आ सकता है, जिसको कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। किसी किसी को 55 ईयर्स से बाद भी आ सकता है। टेक्निकली मेनोपॉज हम तब कहते हैं जब आपका लास्ट पीरियड आए हुए 12 महीने निकल जाते हैं। जब हमारे एग्स बन रहे होते हैं तो हमारे अंदर निर्यात हो रहा होता है फीमेल हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन का, और जैसे ये अंडे कम होते हैं उसी के साथ साथ हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन भी कम होते हैं, पर हमारी बॉडी को तो इसकी आदत पड़ गई होती है तो हमारी बॉडी एक तरीके से मानिए कि इसको मिस कर रही है, इसीलिए ये मूड चेंजेस जो हमने बोला वो होते हैं। और ये चेंजेस कई बार पीरियड्स ख़त्म होने से कुछ साल पहले शुरू हो जाते हैं, उस पीरियड को हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं, इसलिए इन सिम्टम्स को पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ होती है पीरियड्स का इरेगुलर होना, क्योंकि एग्स कम हो गए, एग्स ख़त्म हो रहे हैं तो एगलेस साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, किसी किसी की जल्दी आती है, किसी की देर में आती है। ज़्यादातर लेडीज़ को इस पेरीमेनोपॉजल टाइम पे इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स, जैसे 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने में आई, फिर कुछ महीने रेगुलर हो गई, फिर इरेगुलर हो गई, फिर अल्टीमेटली एक दिन जाके बंद फॉर एवर हो गई। तो इस दौरान आपको ये याद रखना है कि अंडे फिर भी निकल सकते हैं, प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है, और क्योंकि इरेगुलर हैं तो आपको अपनी ओवुलेशन डेट नहीं पता होती, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो कई बार 40-50 साल के बीच में मेरे पास लेडीज़ आई हैं प्रेग्नेंट होके एंड बिल्कुल परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब कैसे हो गया। बट आपको याद रखना है कि इस वक्त कॉन्डोम्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अतिरिक्त मेनोपॉज में कई बार वेजोमोटर सिम्टम्स लेडीज़ को बहुत तंग करते हैं, ये हॉर्मोन्स की फ्लक्चुएशन के कारण होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मेरे को जब पहली बार हॉट फ्लश आई थी तो मैं इसी तरह एक पेशेंट से बात कर रही थी और सडनली मुझे लगा जैसे एक गर्मी की लहर मेरी चेस्ट हेड में चली गई, आई वाज ऑल रेड इन द फेस, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। किसी किसी को हफ्ते में एक बार होती है और किसी को एक दिन में 20 बार होती है, पर यूजुअली कुछ सालों में या कुछ महीनों में वेजोमोटर सिम्टम्स चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा किसी किसी को पसीना बहुत आता है, लेडीज़ ये बोलती हैं कि डॉक्टर साहब कमरे में बाकी सब ने तो स्वेटर पहना था, मेरा मन कर रहा था कि मैं कुर्ता भी उतार दूँ, इतनी गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे, पर किसी किसी को जाड़ा सा लगता है। इसके अतिरिक्त ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारे यूरिन के
और यूट्रस की जो नीचे की सपोर्ट्स होते हैं उनको मजबूत करके रखते हैं। तो जब ईस्ट्रोजन्स कम हो गए तो ये सपोर्ट्स वीक हो गई, इसलिए किसी किसी की बच्चेदानी नीचे आ जाती है जिसे हम प्रोलैप्स कहते हैं। किसी की यूरिनरी एरिया वीक हो जाता है, इसलिए यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी कि यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है कि आपको यूरिन जाना है, बाथरूम बंद है, कोई और गया है, थोड़ी देर लगी बाथरूम खुलने में, उतनी देर में पैंटी गीली हो गई, यूरिन लीक हो गया, खांसने छींकने में यूरिन लीक होने लगता है। और ईस्ट्रोजन हमारे नीचे के एरिया को लुब्रिकेट भी करके रखता है। तो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ड्राई हो जाता है यूरिनरी पैसेज नीचे का और वजाइना, जिस करके लेडीज़ को इन्फेक्शन इन एरियाज़ की ज़्यादा होने लगती हैं, और ख़ासतौर से बहुत सारी महिलाएं सेक्सुअल प्रॉब्लम से आती हैं कि डॉक्टर साहब इतना दर्द होता है कि मन ही नहीं करता है करने का, और अगर करें तो फिर वो कट्स लेके आती है नीचे। तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारे पास क्रीम्स, लोशंस, जेल्स वगैरह कई चीज़ें होती हैं जिससे हम आपकी सेक्स लाइफ बेटर कर सकते हैं। अनदर रोल ईस्ट्रोजन हैज़ इज़ कि उसका कार्डियो प्रोटेक्टिव और बोन्स को प्रोटेक्टिव रोल होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे हार्ट जो है और बोन्स जो हैं उनको मजबूत बना के रखता है ईस्ट्रोजन। इसीलिए आपने बहुत कम सुना होगा कि यंग लेडीज़ को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, पर उसका संभावना जैसे जैसे मेनोपॉज के बाद साल गुजरते हैं लेडीज़ में ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह एल्डरली लेडीज़ को गिरने पे अक्सर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं क्योंकि उनकी बोन्स वीक होती हैं। इसलिए आप इस एज पे मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लीजिए, अगर ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्स लीजिएगा कैल्शियम विटामिन डी के, धूप में बैठिएगा, जो रिंकलिंग ऑफ स्किन होती है जिसे झुलड़ियाँ बोलते हैं वो होना, बाल थोड़ा थिन होना, और लोगों की ब्रेस्ट सैग कर जाती हैं, बहुत सारी लड़की लेडीज़ मूड चेंजेस से ग्रुप में चली जाती हैं, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ देती हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इस एज पे एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस, जनरल एक्सरसाइजेस करिए। और इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं भूल जाती हूँ चीज़ें और रात को नींद कम आती है, क्यों? क्योंकि यूरिन जाना पड़ता है, मेंटल तनाव होता है, गर्मी लग रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, और जाहिर है अगर कोई रात को कम सोएगा तो उसको दिन में थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं बहुत सारी लेडीज़ को। और मेरी आपसे आज यही गुजारिश है कि अगर आपको इसमें से कोई लक्षण है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे ज़रूर जाएं, बिल्कुल इसमें संकोच हेजिटेट नहीं करें, आप अकेली नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलाज के बारे में करेंगे बात, जिसका मतलब है कि कुछ नेचुरल वेज, कुछ नॉन मेडिकल वेज, कुछ हार्मोनल वेज, बहुत तरीके होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल दबाइए एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। Goodbye for now.